मैं यार मेरा फ्रेंड से इसका बॉन्डिंग हुआ है, ये देखिए निकल चुका है। अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और भी कुछ काम कराना है, रिटेन वगैरह लगाए हैं। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार, मस्त लग रहा है। आप चलो हम मिलते हैं, अभी आपको आगे भी क्या होता है बताते हैं। काफ़ी गाइस मस्त फीलिंग आ रही है, ऐसा तो हम देखने के लिए तरस गया था पिछले 2 सालों से। ठीक है, तो अभी क्लीनिंग कुछ करना है इनमें और फिर उसके बाद जो है ये रिटर्नर देंगे। काफ़ी सुकून आ रहा है यार देख कर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बहुत लग रहा है। तो फाइनली गाइस दिखा चुके हैं और देखिए कितना मस्त लग रहा है यार, मतलब खुशी के कुछ नज़ारा ही नहीं रहा यार। 2 साल बाद ऐसा दान देख रहा हूँ और बचपन से ऐसा देखने के लिए तरस गया था, कितना खुशी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता है। आई एम सो हैप्पी एंड बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा उस डॉक्टर को। और एक्चुअली डॉक्टर भी यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन 3 ईयर का कुछ था, एम्स में वो कम्प्लीट हो गया है, तो वैसे भी ये मुंबई की थी और महाराष्ट्र की, तो वो जा रही है। तो वह सुन के तो थोड़ा सा और सैडनेस करने लगा कि ऐसा लोग, तो काफ़ी मज़ा आ गया यार। और गाइस अगर मॉर्निंग में आएंगे और डिनर का देखना तो मॉर्निंग में देखो नॉर्मल वीडियो और आगे डॉक्टर से सब मीटिंग आना आराम के साथ इस वाले से। हेलो गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे आप लोग, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड सो फैंटास्टिक। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये लेके आया हूँ ब्लॉग वीडियो। गाइस एक्चुअली आज मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपना पैसे जर्नी का। आज वैसे भी काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे देख पा रहे हैं मेरी ये स्माइल। तो फाइनली गाइस आज गया था मैं हॉस्पिटल और अपने डेंटिस्ट से मिलने, और आज जो है मेरा डिबॉन्डिंग हो गई, मतलब जो ब्रेसेस था उसे उतार दिए गए हैं, टाइम पूरे हो गए थे। और गाइस अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कल बुलाया गया है इसका रिटेनर लगाने के लिए, ठीक है। तो गाइस अगर मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी टाइम हो गया था वैसे मेरे को लगाए हुए। ऑलमोस्ट मैं जो हूँ मेरी अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो स्टार्टअप कब से हुआ था, 2021 करीबन दिसंबर मंथ से हुआ था। तो उस टाइम पे प्रोसेस डली नहीं थी, बाकी सारे प्रोसेस होता है, इंप्रेशन लिया जाता है, केस इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और मेरा वैसे भी मैं अपना ट्रीटमेंट जो हूँ वो एम्स से कराया था, क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेबल होता है, भले ही वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बट ट्रस्ट होती है। बट प्राइवेट से क्या होता है कई जगह दांतों के साथ खिलवाड़ या छेड़छाड़, मतलब कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से मतलब ट्रस्ट के लिए मैंने वहाँ से करवाया था। हालांकि मुझे काफ़ी लंबा टाइम देना पड़ा बट रिजल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो अप्रॉक्स प्रोसेस मेरी डली थी 2022 में जून के मंथ में, जब प्रॉपर प्रोसेस लगी थी ऊपर अपर लोअर एंड दोनों में। तो ऑलमोस्ट ये 18 मंथ्स हो गया था इसे ट्रीटमेंट किए हुए। और ऑल ओवर बात करें तो मतलब 2 साल देना पड़ा था, 2 साल ऑलमोस्ट हुई है, ठीक है। तो 18 मंथ्स अराउंड मेरे मतलब मुँह में लगा रहा प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखते हैं वापस से जब रिटेनर लगेगी तो रिटेनर का मुझे थोड़ा सा हैबिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिटेनर लगने के बाद थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ब्रेसेस लगने पर हुई थी स्टार्टिंग में। बट ऑल ओवर यार काफ़ी अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं क्या होता है, वो चीज़ आपको जरूर बताऊँगा। और आज वैसे हुआ ये था, मॉर्निंग में गया तो पहले उन्होंने ब्रेसेस उतारे, उसके बाद जो है क्लीनिंग करे, उसके बाद जो है इंप्रेशन लिया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बुलाया, ठीक है। वैसे अभी मुझे काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है, काफ़ी हैप्पी फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही बस होना चाहिए गाइस, और क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई कंसर्न हो प्रोसेस से लेके या ट्रीटमेंट से लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको जो रेजोल्यूशन बता पाऊँगा।